गोरेगांव ईस्ट के शौचालय की बदबू से राहगीर परेशान। गोरेगांव ईस्ट के शिवनेरी मार्ग पर मौजूद शौचालय की दुर्गंध से यहां के आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है। शौचालय के बाहर बनी मूत्री में किसी तरह की छत और दरवाजा न होने से यहां से गुजरने वाली महिलाओं को भी तकलीफ हो रही है। शौचालय के पास लगा कचरे का ढेर बदबू को और भी बढ़ा रहा है। इस ढेर के आसपास अवैध पार्किंग करके खड़ी की गई ट्रकों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। ऐसा नहीं है कि शौचालय का इस्तेमाल करने वाले इसकी वर्तमान स्थिति से बहुत खुश हैं। इनका कहना है कि मूत्री के ऊपर छत होनी चाहिए और इसकी साफ सफाई भी होनी चाहिए। और यहाँ पर पीछे आप देख रहे हो बाथरूम है, वहाँ पर छप्पर नहीं है, उसको डोर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। इसकी वजह से सब लोगों को दिक्कत होती है, शौच करने वालों को भी दिक्कत होती है। आजू बाजू से लेडीज गुजरती हैं, बाजू में कचरा गिरता है, उसकी वजह से आजू बाजू वाले लोग को बहुत तकलीफ होती है, बास आती है, बहुत सारी तकलीफ है। उसको छप्पर नहीं है, छप्पर नहीं है, उसकी वजह से उन लोग खुले में शौच कर रहे हैं। अच्छा लगता है? क्यों नहीं अच्छा लगता है? ये खुला है ना, तो बास भी आ रही है, गंदी बास आ रही है, गंदी बदबू है। जी जी, तो क्या होना चाहिए इधर आपके हिसाब से? बनना चाहिए और क्या होना चाहिए? ढकना चाहिए, ढकना चाहिए। मेरे बाजू में बाथरूम है, उसके बगल गली कचरे का जो कचरा लाके डालते हैं, गीला कचरा डालते हैं, जब तीन दो दिन डालते हैं, फिर उसके बाद में जो लोग गाड़ी आती है उसमें उठाते तो बास आता है ऐसा, तो हमको तो तकलीफ तो होता ही है। ये जो अटलांटा के सामने जो शौचालय बना है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज़ तो ये कचरे के वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत बड़ा जाम हो जाता है, आने जाने वाले पब्लिक लोग को कचरे के अंदर से गुजरना पड़ता है, और यहाँ पे मच्छर वच्छर इन सारे चीज़ों से यहाँ पे बहुत गंदगी फैली हुई है। यादव है सामने, कचरा पेटी है, बहुत ज़्यादा कचरा, इससे गंदगी हो। दरअसल ये शौचालय अटलांटा स्टेट जो कि एक व्यावसायिक बिल्डिंग है उससे बिल्कुल लग कर बना है। इस बिल्डिंग में 186 गाले हैं। इसके सेक्रेटरी हर्षद शाह कहते हैं कि यहाँ के सभी गाले वाले सरकार को स्वच्छता के नाम पर टैक्स अदा करते हैं और सरकार इसके बदले में उन्हें क्या दे रही है? सिर्फ गंदगी। बाथरूम का इश्यू तो कम से कम 5-6 साल से है, और कोर्ट का भी ऑर्डर था कि स्टे, वो लोग ने स्टे लिया, कोर्ट का भी ऑर्डर है किसने? के सामने वाली चाल ने लिया था कि भाई बाथरूम नहीं टूटना चाहिए। उसका कारण ये था कि किसी ने किसी को इसमें हिस्सा मांगता था तोड़ने के बाद, और ये अटलांटा एस्टेट में जो कॉमर्शियल में जो जितना GST जो स्वच्छ भारत अभियान में जा रहा है, मेरे को लगता है कि ये एरिया में सबसे ज़्यादा GST और स्वच्छ भारत अभियान में 186 ऑफिस में से ही जा रहा है। हमने BMC में कंप्लेन कर करके थक गए, इधर के नगर सेवक MLA सबको कंप्लेन किया, हमारे पास सब उसका राइट प्रूफ है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। और आगे इसके लिए पहला बाथरूम बना दिया वीरवाणी के सामने, हमको बोला गया था कभी ये बाथरूम हट जाएगा और सामने पब्लिक के लिए बना दिया है, लेकिन एक कोई न कोई राजकारण वाले है ने उनको तोड़ने नहीं देते। क्यों नहीं तोड़ने देते कि कुछ न कुछ तोड़ने के बहाने उन लोग को पैसा चाहिए। इस शौचालय को गिराने या फिर हटाने के लिए अटलांटा स्टेट ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। अदालत ने इसे गिराने का आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश पर अमल होने के पहले ही अमन शांति सोसाइटी इस डिमोलिशन के विरोध में अदालत से स्टे लेकर आ गई। हाई कोर्ट ऑर्डर इज देयर एंड विच इज मेंशन इन द ऑर्डर दैट सिंस दिस एरिया इज डेवलपिंग एरिया देयर इज नो नीड फॉर दिस पब्लिक टॉयलेट एंड इट मे बी डिमोलिश एंड देयर इज नो नीड ऑफ रिलोकेशन। अभी मैं ये बोलता हूँ कि ये ऑर्डर के हिसाब से यह है कि रिलोकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मीनवाइल क्या हुआ कि एक लोकल पार्टी लोगों ने एक स्टे ऑर्डर ला के रख दिया। द स्टे ऑर्डर इज डेटेड 13 फरवरी 2014। डेमोलिशन ऑर्डर आया था 15 अक्टूबर 2013। एक साल के बाद में अटेम्प्ट किया था कुछ इन लोगों ने बहुत पहले, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो गया था बिकॉज देर वॉज नो प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन टू द BMC स्टाफ। जहां एक तरफ आसपास के लोग इस शौचालय की बदबू और गंदगी से परेशान हैं, तो वहीं कुछ लोग इसके ठीक से बनवाने के पक्ष में हैं। जबकि अटलांटा स्टेट के मैनेजर कहते हैं कि यहां 2 सार्वजनिक शौचालय पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखना है कि BMC इस मामले में चुप्पी साधे बैठे रहेगी या फिर जल्द ही कोई कदम उठाएगी।
उमेश सुरवे और बिलाल शेख के साथ राजबिंद्रा, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।